बाबा राम रहीम को दो साध्वियों के साथ बलात्कार का दोषी पाया गया है। इसी बीच बाबा के मुंहबोले दामाद विश्वास गुप्ता ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। विश्वास ने बाबा और उनकी मुंहबोली बेटी को लेकर कुछ ऐसा बताया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। विश्वास गुप्ता की माने तो बाबा के अपनी मुंहबोली बेटी के साथ अवैध संबंध थे। विश्वास गुप्ता का आरोप है कि राम रहीम के उसकी पत्नी हनीप्रीत इंसा के साथ पहले से संबंध थे, इसलिए उन्होंने सबके सामने उसे अपनी मुंहबोली बेटी करार दिया ताकि वो अपने पाप को छुपा सके। विश्वास गुप्ता ने ये आरोप इंडिया टीवी को दिए एक इंटरव्यू में लगाए थे। बाबा को दोषी पाए जाने के बाद इंडिया टीवी को दिए गए उनके पति विश्वास गुप्ता का बयान फिर से सुर्खियों में है। विश्वास गुप्ता ने 2011 में इंडिया टीवी को बताया था कि मई 2011 को एक रात जब वह डेरे में बाबा की गुफा की तरफ गए तो बाबा के कमरे का दरवाजा गलती से खुला रह गया था। उसने जब अंदर झांका तो देखा कि बाबा उसकी पत्नी और अपनी मुंहबोली बेटी हनीप्रीत के साथ आपत्तिजनक अवस्था में थे। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगा, उसे भी दबा दीजिए।